हमारा वेजिटेबल अभी बन रहा है। रेडी हो जाओ जल्दी से चलने के लिए। कहाँ चलना है? चलिए रेडी हो बताते हैं। दोस्तों हमारा बैग भी रेडी हो गया है, ये देखिए मैंने अपने जो कपड़े हम पहनने के लिए रख लिए हैं इसमें, ये मेरा बैग है और इसमें जानू का। तो चलिए मैं बना रही हूँ ये खीर, तो हमारी खीर बन के रेडी हो गई है और इधर हम खाना को भून लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से भून गया है, हल्का सा। फिर बहुत तेज़ से गिरने लगे और बारिश होने लगी, तो ये देखो डॉगी यहाँ पे आ गया मेरे पास। मैं बोली बाबू, तो ये मेरे पास आ गया। देखो बेचारा कितना ठंडी लग रही है, इसको भी देखो कितना अच्छा है। हेलो, ठंडी लग रही है, इसको भी ठंडी लग रही है। और यहाँ पे बहुत बारिश होने लगी है शिमला में और पत्थर भी बहुत तेज से गिरने लगे। दोस्तों अभी मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज, तो मिक्स वेज में हमने लिया है ग्रीन ओनियन, पत्ता गोभी, ब्रोकली और इधर है हमारा ग्रीन चिली और इधर ये देखिए बीन्स भी हमने लिया है, टमाटर ले लिया है, लहसुन की दो चार कलियाँ हमने काट लिया है। और इस ये मसाला फ्री बनाऊंगी क्योंकि मसाला कम से कम डाल के खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मसाला नुकसान भी करता है, तो इसलिए मसाले का कम सेवन करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपकी स्वास्थ्य के लिए और आपको अच्छा भी लगता है खाने में। ऐसा नहीं कि मसाला डालेंगे तभी खाने में अच्छा लगेगा, तो हम बनाएंगे एकदम हल्के मसाले में इसको। तो चलिए अभी बनाएंगे, कढ़ाई हमने रख दिया है बनाने के लिए, इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे बस। हमें फिगारो ऑयल से अपना वेजिटेबल बनाऊंगी क्योंकि ये भी ऑयल काफ़ी अच्छा होता है खाने के लिए, तो हल्का सा ऑयल डालेंगे बस एकदम हल्का सा। देखिए हल्का डाल दिया है हल्का सा जीरा और इसमें से धनिया, खड़ी साबुत धनिया डाली, बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें। और हल्की सी हम डालेंगे राई जिसको बोलते हैं सरसों, हल्की सी। और एक दूध डाल देते हैं सौंफ को। दोस्तों ये बना रहे हैं वेजिटेबल जानू। जानू को खाना बनाने का बहुत शौक है, इसलिए सोच रही हूँ रेस्टोरेंट ओपन कर दूँ एक हिमाचल की पहाड़ियों पे और जानू बनाए। क्या कलर आ रहा है, वाह वेजिटेबल है। और आप लोगों की थिंकिंग ये ना हो कि ज़्यादा प्यारा कलर आ रहा है देखो। और जब भी कोई हॉलीडे होता है तो जानू भी हम लेके खाना बनाते हैं हमारे साथ, हम दोनों खाने पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि लोग सोचेंगे कि बीबी का गुलाम मतलब खाना बना रहा है, तो ये लोग की थिंकिंग है। अब थिंकिंग को हम क्या कर सकते हैं, ये है रोज़ की वाली, रोज़ की पत्ती वगैरह डाल दिया इसमें और क्या फ्लेवर के लिए, ये फिर रोज़ की पत्ती जो मैंने पेड़ से भी तोड़ा हमारे यहाँ लगी हुई है उसके मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलिए वेजिटेबल बन जाती है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हो गया भाई, ये क्या है भैया, ये गुड़ चना, गुड़ चना, इधर काजू, गुड़ चना नहीं ये वही है यार जो अपना रेवड़ी है। और ये है देखिए कितना अच्छा अच्छा बिस्किट, नमकीन। अरे हमारे भैया पंजाब से जो लाते हैं, अपने यहाँ मिलता है। आप कहाँ से हो? पंजाब से गुरदासपुर। ढोलक। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप लोगों से एक बात करनी थी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, तो क्या गुड न्यूज़ हो सकती है आप लोग गेस करिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और गुड न्यूज़ क्या होगी वो हम आपको बताएंगे, आप लोग वेट करिए। और वो गुड न्यूज़ हमारे इलाहाबादी कपल पे वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और पता चल जाएगा कि क्या क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।